चलिए फ्रेंड्स, एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। अब मैं 2 कप मैदा डालने जा रही हूँ। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। कभी भी बेकिंग सोडा की क्वांटिटी बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी से हाफ होती है। और इसमें चुटकी भर नमक हम लोग ऐड करेंगे, साधारण नमक। नमक ऐड करने के बाद हम ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। अगर आपको और फ्लफ़ी केक चाहिए तो आप, मैं एडवाइस करूँगी 2 से 3 बार ये पूरा ड्राई इंग्रेडिएंट्स का बैच छान के लीजिए, जिससे इसके अंदर एयर आएगी और ये केक और फ्लफ़ी बनेगा। अब छानने के बाद हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग रखेंगे। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स की ओर चलते हैं। वेट इंग्रेडिएंट्स में आप देख सकते हैं, मैंने दूसरे बाउल में 1 बटर लिया है। ये अनसॉल्टेड बटर है, हम लोग का सादा अमूल बटर है। इसमें मैंने 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल मिक्स किया है। अगर आप चाहे तो आप 1/4 कप सिर्फ बटर भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल डालने से केक मॉइस्ट होता है। अब मैंने इसमें 410 ml ऑफ कंडेंस मिल्क डाला है। एक पूरा टिन आप यूज़ करेंगे 2 कप मैदा के लिए। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून पानी में इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर मिक्स करके उस पानी का मिश्रण इसमें डाल रही हूँ, और कुछ ड्रॉप्स वेनिला एसेंस के डाल रही हूँ। कॉफ़ी से चॉकलेट केक का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। अब हम ये ड्राई एंड वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हमको पहले ड्राई इंग्रेडिएंट डालना है बड़े बाउल में, या जिस भी पतीले में आप चाहें मिक्स करना, फिर थोड़ा सा वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, उससे पहले मिक्स करके लेंगे। पहले हम ड्राई एंड वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके ले लेंगे, उसके बाद हम इसमें कोई भी लिक्विड जैसे कि पानी या दूध, जो भी आप ऐड करना चाहे कर सकते हैं। पानी से भी केक बहुत अच्छा बनता है फ्रेंड्स, लेकिन दूध से उसकी रिचनेस बढ़ जाती है थोड़ा, तो इसलिए मैं दूध प्रेफर करती हूँ बैटर में यूज़ करने के लिए। आप दूध 1 कप ले सकते हैं, लेकिन हमें इसे धीरे धीरे करके मिक्स करना है, एक साथ में पूरा नहीं डालना है। आप कट एंड फोल्ड मेथड से भी बैटर को मिक्स कर सकते हैं, या किसी विस्क से भी मिक्स कर सकते हैं, जैसा मैं इसमें कर रही हूँ। धीरे धीरे दूध डालने से क्या होगा, हमें आइडिया आ जाएगा कि हमारा बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी रहनी चाहिए। सो इसलिए मैं एडवाइस करूँगी आप 1 कप दूध लेकर रखें, बट थोड़ा थोड़ा डालें। ज़रूरी नहीं कि 1 कप पूरा लग जाए, कभी कभार 1 कप से ज़्यादा भी लग सकता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आप देख सकते हैं हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, एगलेस केक बनाना है हमें, तो हमें ये सब एजेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिससे हमारा केक मॉइस्ट एंड फ्लफ़ी बनता है, क्योंकि हम इसमें अंडे का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए हम विनेगर और बेकिंग पाउडर एंड सोडा का जो रिएक्शन होता है, उससे केक को फ्लफ़ीनेस और फ्लफ़ीनेस देते हैं। तो अभी हम लोग का बैटर रेडी हो गया है। मुझे थोड़ा सा केक मॉइस्ट पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड किया है। मुझे थोड़ा सा ये डेंस लग रहा था बैटर, आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, बट वो कंसिस्टेंसी पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। मैंने जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस से देखा है फ्रेंड्स, कि अगर केक का बैटर थोड़ा सा रनी होता है तो वो ज़्यादा मॉइस्ट होता है, मतलब वो अंदर से अच्छा होता है, नरम होता है, ड्राई नहीं होता ज़्यादा। यहाँ पे मैंने 2 केक टिन्स रेडी करके रखे हैं, तो मैं 1/2 करके दोनों बैटर को आधा आधा करके डाल रही हूँ। अगर आप चाहें, आपके पास बड़ा कुकर हो, तो आप 1 में भी बना सकते हैं, तो इससे आपका केक 1 में बहुत मोटा बनेगा, उसके अगर आप लेयर्स करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा वो साइज़ में। बट मैं यहाँ पे 2 अलग अलग टिन्स में बना रही हूँ, आप चाहें तो 1 में भी बना सकते हैं।
आप चाहें तो सिलिकॉन मोल्ड भी ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग का सादा एल्युमिनियम वाला टिन तो मार्केट में आसानी से मिल ही जाता है। तो फ्रेंड्स, यूजुअली मैं केक कुकर में बनाती हूँ, बट आज मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कढ़ाई मैंने रखी, इसमें खाली एक वो स्टैंड जो आता है अपना नॉर्मल आयरन का स्टैंड है जो, वो रखा है, उसके ऊपर मैंने केक टिन रख कर उसको ढक दिया है। और मैंने ऐसे ही दूसरे कढ़ाई में भी किया है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसमें ना पानी डाला है ना सॉल्ट डाला है, कुछ नहीं डाला है। कुछ नहीं आप डालेंगे तो भी अच्छे से बेक हो जाएगा, ओनली द थिंग इज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये मेरा केक है, लास्ट में मैंने जैसे आइसिंग की है, मुझे 20 से 25 मिनट लगे इस केक को बेक करने के लिए, देन मैंने इसको ऐसी आइसिंग की है। अगर आप ऐसी आइसिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।